अगला सवाल है कि कैंसर होता कैसे है। कैंसर एक जेनेटिक डिजीज है, यानी कि हमारे सेल्स में जो जीन्स प्रेजेंट होता है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी वजह से कैंसर होता है। जीन्स सेल का वो पार्ट होते हैं जो पूरे सेल को कंट्रोल करते हैं, उसके फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो ये होता कैसे है कि या तो जब सेल डिवाइड कर रहा हो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए उस प्रोसेस के टाइम पे, या तो हमारे इन्वायरमेंट में कार्सिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं उसका हमारा एक्सपोजर हो जाए उसकी वजह से, जैसे कि कार्सिनोजेंस में आ जाते हैं हमारे टोबैको स्मोक या यूवी रेज ऑफ द सन, या तो हमारी फैमिली हिस्ट्री हो कि हमारे फैमिली में किसी को कैंसर हो तो हमारे कैंसर होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, या तो हमें एक्सपोजर हो जाए वायरस जैसे कि HPV जिसको हम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस भी बोलते हैं, उसका एक्सपोजर हो जाए तो उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे सेल्स के अंदर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये वो जीन्स होते हैं जो ट्यूमर कॉजिंग सेल्स होते हैं उनको पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनको पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं बॉडी से, ताकि वो ग्रो होके कैंसर ना बना पाए। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारी बॉडी की एबिलिटी ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ट्यूमर कॉजिंग सेल्स कौन कौन से हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करने की पावर वो धीरे धीरे बॉडी की कम होती जाती है, तो इसलिए हमें कैंसर यंग पेशेंट्स में कम और ओल्डर पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है।